ये वीडियो उस वक्त का है जब रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए खुद किम जोंग उन एयरपोर्ट पहुंचे थे। किम जोंग उन के साथ कोई नहीं था। वो अकेले वॉक करके उनके प्लेन के सामने पहुंचे और अपने सामने वहां पर रेड कार्पेट बिछवाई। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति प्लेन से उतरते हैं और फिर दोनों नेता गले लगकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। उसके बाद ये तस्वीर बहुत खास है, उसके बाद ये तस्वीर बहुत चर्चा का विषय रही। दरअसल जिस गाड़ी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है वो ऑरस है, और यही गाड़ी रूसी राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन को गिफ्ट में दी थी जब वो रूस आए थे, और अब यही गाड़ी लेकर वो खुद पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए। आमतौर पर डेलीगेशन में दो तीन तरह की गाड़ियां होती हैं जिसमें अलग अलग नेता जाते हैं, लेकिन यहां पर इन दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर बातचीत हो रही है कि पहले आप तो पहले आप। हालांकि रूसी राष्ट्रपति भी कह रहे हैं किम जोंग उन को पहले आप जाइए फिर मैं आता हूं, लेकिन वहां पर किम जोंग उन भी उन्हें कहते हैं कि पहले आप जाइए, और आखिरकार फैसला हो जाता है। फैसला होता है कि रूसी राष्ट्रपति पहले जाएंगे और किम जोंग उन दूसरी तरफ के दरवाजे से गाड़ी में बैठेंगे, और ये रूस की ऑफिशियल कार है। रूस की इस ऑफिशियल गाड़ी को लेकर खूब चर्चा हो रही थी कि आखिर रूस के राष्ट्रपति ने ये ऑरस अपने दोस्त को गिफ्ट की। उसके बाद हमने कई सार्वजनिक मंचों पर इस गाड़ी को देखा, लेकिन यहाँ पर सबसे खास था वो जेस्चर जिसमें पुतिन को सम्मान देते हुए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो कि नजर आए हैं, अब इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। सिर्फ यही नहीं, जब दोनों नेता एक दूसरे से मिले तो दोनों ने गले लगकर एक दूसरे का स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच गहन बातचीत हुई, और अगर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में भी नॉर्थ कोरिया के नेता अपने दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे जो उनकी छवि के बिल्कुल इतर है। अगले दिन उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। यहाँ भी दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, और हजारों की संख्या में लोग वहां पर राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए खड़े थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सब कोई खड़ा था एक साथ अपने देश के मेहमान का स्वागत करने के लिए। साथ में थे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। यहाँ पर दोनों नेताओं ने खुली गाड़ी में लोगों का स्वागत किया, उन्हें उनका अभिवादन स्वीकार किया, और अब ये तस्वीर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के नेता ने हाल ही में रूस का दौरा किया था, और तब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया था। इस मुलाकात के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से कई बयान दिए गए जिसमें इस बात को लेकर दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच एक बड़ी डील हुई है जिसके तहत नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार देगा और रूस नॉर्थ कोरिया को अंतरिक्ष की तकनीक देने पर विचार कर रहा है। हालांकि दोनों ही देशों ने इस थ्योरी को नकार दिया था, लेकिन दोनों देश एक साथ आ रहे हैं, मतलब ये साफ है कि वेस्ट के खिलाफ रूस उन तमाम देशों को लामबंद कर रहा है जिनके अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंध ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।